कैक्टस इंडिया में किसी किसी राज्य में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और कैक्टस के ऊपर जो कैक्टस फ्रूट लगे होते हैं उसमें काफी ज्यादा मात्रा में आयरन, कैल्शियम, विटामिन B6, विटामिन सी जैसे कई सारे इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, और इसका कई सारी मेडिसिन बनाने के लिए यूज भी किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको कैक्टस फ्रूट के बारे में बताऊंगा। कैक्टस फ्रूट खाने के बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं, तो चलिए मैं आपको कैक्टस फ्रूट दिखाता हूँ वो होते कैसे हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो कैक्टस का पौधा होता है ना, उसमें छोटे छोटे फ्रूट्स लगे होते हैं, और इनका जो टेस्ट होता है वो मीठा सा होता है, स्वीट होते हैं खाने में। इनकी चाट भी बनती है। इनके ऊपर छोटे छोटे से कांटे लगे होते हैं, अगर ये हाथ में लग जाएं तो ये आसानी से नहीं निकलते हैं। तो मैं इनको तोड़ने का भी आपको तरीका बताता हूँ। इनको तोड़ने का जो तरीका है, तो आपने कोई भी ऐसा एक मोटा कपड़ा ले लेना है, देखिए, और इस कपड़े से आपने इनको तोड़ना है। तो आप इनको ऐसे तोड़ सकते हैं, देखिए। तो ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे इसके ऊपर जो हल्के हल्के से कांटे लगे हैं। ध्यान से तोड़ना, आपने कभी भी कैक्टस का जो फ्रूट है उसको तोड़ना हो। तो इनको साफ़ करने का भी तरीका होता है, देखिए। ये जो आपका कपड़ा है ना, इससे आप इनको आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये मैंने इसको साफ़ कर लिया यहाँ पे। ये देखिए, अच्छे से साफ़ हो चुका है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ अंदर से। ये देखिए कितना अंदर से, इसके अंदर बहुत ही रेड कलर का रहता है अंदर से, जैसे आपने बीट रूट देखा होगा सेम उसी के कलर का होता है। ये देखिए, तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं अगर खाना चाहें, बट मैं इसकी आपको ना चाट बना के दिखाऊंगा। इसकी चाट बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी भी कैक्टस के जो फ्रूट है उनको भी तोड़ लेते हैं। एक कैक्टस के पौधे में काफी ज्यादा फ्रूट्स लगे होते हैं, तो ये देखिए एक एक करके मैं सबको तोड़ लूंगा। यहाँ पे किसी कपड़े या डस्टर का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इनको ध्यान से तोड़ रहा हूँ। जिस साइड में कांटे लगे हैं वहां से मैं इनको नहीं पकड़ रहा हूँ, बट आपने इनको कभी भी तोड़ना हो तो या तो ग्लव्स का यूज करें या किसी मोटे कपड़े का यूज करें। तो ये देखिए, मैंने सारे के सारे फ्रूट्स यहाँ पे तोड़ लिए हैं, और इनके जो ऊपर कांटे थे ना उनको मैंने कपड़े से अच्छे से यहाँ पे साफ कर लिया है। अभी मैं आपको इनको काट के दिखाता हूँ कि इनको काटते कैसे हैं। तो आपने कैक्टस का जो फ्रूट है वो लेना है, और नाइफ की सहायता से इसको ऐसे काटना है। देखिए, पहले आग से इसको काट दें ऐसे, और पीछे से आपने हल्का सा काटना है, ज़्यादा नहीं काटना है। सेंटर में आपने कट लगाना है, और इसके छिलके होते हैं ना, हल्के हल्के से इसके छिलके निकालने हैं, ज़्यादा नाइफ से काट के इसको निकालना नहीं है आपने। तो देखिए, मैं इसके जो छिलके हैं उनको खींच के निकाल रहा हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा काट के निकाल देंगे तो इसके अंदर जो खाने वाला पार्ट होता है वो भी वेस्ट हो जाएगा। ये जो कैक्टस के ऊपर फ्रूट लगते हैं ये सीजनेबल होते हैं। ये साल में दो बार कैक्टस के ऊपर लगते हैं, एक बार सर्दियों के मौसम में और एक बार बरसात में। तो ये देखिए, आप कलर देख सकते हैं, इसका कलर जो है वो कितना अच्छा है इसके अंदर से, और मेरे जो हाथ है ना वो भी अच्छे कलरफुल हो चुके हैं इससे। तो इसको मैं सेंटर से देखिए काट दूंगा ऐसे। तो इनके अंदर ना छोटे छोटे सीड होते हैं, जैसे अमरूद के अंदर होते हैं, तो आप इनको सीड के साथ ही खा सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारे कैक्टस के जो फ्रूट हैं वो काट लिए हैं। अभी हम इसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इनके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। अभी यहाँ पर मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है, काला नमक, इसको भी आपने अच्छे से इनके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। फिर हम इसके ऊपर शुगर डालेंगे। तो ये देखिए, शुगर का मैंने एकदम फाइन पाउडर कर लिया है। तो शुगर का जो पाउडर है उसको भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आप शुगर नहीं खाते हैं तो शुगर की जगह गुड़ डाल सकते हैं, और गुड़ और शुगर दोनों नहीं खाते हैं तो आप इनको स्किप कर दीजिए। आप इन कैक्टस फ्रूट को ऐसे भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी कैक्टस फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।